प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पूर्ण निर्धनता किसे कहते हैं। क्या बेटा? पूर्ण निर्धनता किसे कहते हैं। मैंने देखा है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी पूर्ण निर्धनता का अर्थ ही ठीक से नहीं समझ पाते हैं और वो स्नातक स्तर की, स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री ले लेते हैं। मैं एमए के अंतर्गत विद्यार्थी से पूछता हूँ कि बेटा मुझे बताइएगा पूर्ण निर्धनता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि सर हमने पढ़ा ही नहीं है। तो बेटा मैं प्रतिदिन मतलब जो ये राजनीति विज्ञान की शब्दावलियाँ हैं इनको जो है स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बेटा पूर्ण निर्धनता का सीधा सा अर्थ बता रहा हूँ मैं। पूर्ण निर्धनता वह स्थिति है, क्या? पूर्ण निर्धनता वह स्थिति है जिसके अंतर्गत मनुष्य की, व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे मैं कहूँगा यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, आवास। मतलब जब मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती है तो इसे पूर्ण निर्धनता की संज्ञा दी जाती है। मैं पुनः कह रहा हूँ, पूर्ण निर्धनता का मतलब होता है कि मनुष्य की, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता है। अगर ये आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो इसे पूर्ण निर्धनता की संज्ञा दी जाती है। ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनके अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान आता है। अब मुझे बताइएगा एक मनुष्य को यदि भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो क्या जीवित रहेगा? नहीं। अगर उसे पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेंगे तो क्या जीवित रह पाएगा? नहीं। अगर उसे रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा तो क्या वह जीवित रहने में समर्थ होगा? नहीं। इसलिए मनुष्य की जो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये मूलभूत आवश्यकताएं की यदि पूर्ति नहीं होती है तो इसे जो है पूर्ण निर्धनता की संज्ञा दी जाती है। यह सापेक्ष निर्धनता से भिन्न है। तो मुझे विश्वास है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे कि पूर्ण निर्धनता किसे कहा जाता है। आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं हमारे भारत की सरकार पूर्ण निर्धनता को दूर करने का प्रयास कर रही है। हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अब आप देखिएगा रोटी, कपड़ा, मकान की बात आती है तो रोटी के लिए अब आप देखेंगे अन्न योजना लागू हो रही है ना, निशुल्क अन्न मिल रहा है, है? इसी के साथ में आवास की बात आती है तो प्रधानमंत्री आवास योजना चली हुई है ना। इसी के साथ में वस्त्र की बात आती है तो नित नई संस्थाएँ हैं जो कि गरीबों को पहनने के लिए वस्त्र भी दे रही है। मतलब मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं रोटी, कपड़ा और मकान, किसी न किसी रूप में सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं, सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत बहुत ही जल्दी पूर्ण निर्धनता का खात्मा होगा, पूर्ण निर्धनता की समाप्ति होगी। और मैं तो यह कहूँगा जिस दिन भारत में से पूर्ण निर्धनता की समाप्ति हो जाएगी उस दिन भारतीय नागरिकता की चादर पर जो सफ़ेद दाग लगा हुआ है वह सफ़ेद दाग अच्छे से धुल जाएगा। और जिस दिन भारतीय नागरिकता की सफ़ेद चादर पर जो ये पूर्ण निर्धनता का दाग है ये दाग जिस दिन धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर भारत अपने आप में एक विकसित राष्ट्र है ही है, होगा ही होगा और विश्व का गुरु बनने से भी इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मूल बात यही है कि पूर्ण निर्धनता अर्थात मनुष्य की जो मूलभूत मौलिक आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी तो पूर्ति होनी ही चाहिए। सरकार के द्वारा भले ही कोई भी योजना, कोई भी प्रयास क्यों ना किया जाए लेकिन सरकार को इस तरफ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे विश्वास है मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी पूर्ण निर्धनता को अच्छे से समझ गए होंगे। यश बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।